अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फहद उगजम और आप देख रहे हैं ज़खीरा अमलियात। आज मैं एक और नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। और दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को और शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे, बवक्त सही मिलती रहे। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने बेल नोटिफिकेशन को नहीं दबा के रखा है, मेरी उन दोस्तों को कभी भी वीडियो नहीं मिलेगी क्योंकि वो बेल नोटिफिकेशन नहीं ऑन करके रखते हैं। तो मेरी गुजारिश है छोटी सी, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं और मेरी वीडियो को पूरा देखें ताकि हर मेरी वीडियो आप लोगों को सही पहुंच सके और सही समझ सके। अगर मेरी वीडियो को पूरा देखोगे तो तभी आप लोगों को समझ में आएगी, ऐसे कभी भी नहीं आएगी। और दोस्तों, मेरी को रिक्वेस्ट है, मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग मेरे ही चैनल पर आओ, मैं सिर्फ इतना आप लोगों से कहना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ कि आज तक आप लोगों ने जिनों जिनों के भी चैनल अमलियात के देखे हैं, क्या उनों के चैनल आप लोगों ने उनों की वीडियो को आजमाया है? अगर आजमाया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर रब्ता करें। अगर आजमाया है और क्या असर करती है वो अमल, अगर असर भी करते हैं तो मुझे कमेंट में बताएँ। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग मेरे ही चैनल पर आओ, मुझे सिर्फ एक बार ज़रूर बता दो। और मैं ये भी नहीं चाहता कि आप लोग मुझे ही सच्चा मानो भाई, जो जिस ये एतबार होता है वो हर इंसान पर नहीं कर सकते, किसी किसी पे एतबार होता है। अगर आप लोगों को कोई अच्छी वीडियो बना के दिखाता है, कोई अच्छी रिव्यू दिखाता है, यानी कि वीडियो को बैकग्राउंड वीडियो अच्छी बना के, वह आप लोगों को एक नंबर की और सच्ची वीडियो लगती है, ऐसा नहीं होता भाई। कोई आमिल इतनी अगर इतना वक्त अपना बर्बाद नहीं करता है, मेरा मतलब कोई भी आमिल होता है, जो ये जो फारिग लोग बैठे होते हैं वही अपना वक्त बर्बाद करते हैं, वही अपनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, मगर उनों की वीडियो कभी भी असर नहीं करेगा उनों का अमल। सिर्फ वीडियो ही अच्छी होगी, अमल नहीं, काम अच्छा नहीं होगा, मैं 100% से ये कह सकता हूँ। सिर्फ आप लोग उनों की वीडियो को तो आजमाओ, देखो एक बार ज़रूर ताकि आप लोगों को पता चल जाए, और एक बार सिर्फ एक बार मेरी वीडियो को भी आजमाओ और आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर असर करेगी। आप लोगों को मेरा अमल हर बताया हुआ, और मेरी अमल तभी असर करेगा जो मेरे अमल पे और मुझ पे एतबार रखता हो, यकीन रखता हो और सच्चा दिल हो जिसके पास, और करने के लिए अमल करने के लिए दिल हो, बड़ा मजबूत और सच्चा दिल हो, मेरा अमल उसी पर ही असर होगा, वही असर मतलब उसके लिए असर करेगा। अगर कोई आप में से कोई भी दोस्त के दिल में सच्चा दिल है, एतबार है, यकीन है, तो मेरा अमल अगर वो करेगा तो फिर असर दिखाएगा, ऐसे नहीं असर दिखाएगा कि आप लोग अमल भी कर रहे हो, एतबार भी ना हो, यकीन ना करते हो किसी पे। जब आप लोगों को यकीन होगा फिर अमल असर करेगा। ये बहुत ही ख़ास अमल है, ये बड़ा एक ख़ास और अहम अमल है। इस अमल को करने से हर काम हो जाता है और बिगड़ा काम भी दुरुस्त हो जाता है। अगर किसी को घरेलू तंगी व परेशानी हो तो दूर हो जाएगी। नक्श ये है, इस नक्श को लिख के आप लोगों को अपने पास ही रखना है या फिर अपने बाजू पे, यानी के दाएं बाजू पे, जो दाएं बाजू होता है उसी पे बांधना है, फिर ये अमल इंशाल्लाह असर करेगा। और मेरे अमल को अच्छी साहित में लिखें, मैं साहित्य भी बता दूंगा बहुत जल्द, फिर ही असर करेंगे, ऐसे नहीं करते ख्वा कोई भी हो। तो मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया, इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छी और सच्ची वीडियो अपलोड करूंगा। मैं कोई भी झूठी वीडियो अपलोड करके ना अपना वक्त ज़ाया करूंगा, ना आप लोगों का वक्त ज़ाया करूंगा, ना खुद को गुनहगार बनाऊंगा, ना आप लोगों को इंशाल्लाह गुनहगार बनने दूंगा इंशाल्लाह। तो दूर हो जाएगी। नक्श ये है, इस नक्श को लिख के आप लोगों को अपने पास ही रखना है या फिर अपने बाजू पे, यानी के दाएं बाजू पे, जो दाएं बाजू होता है उसी पे बांधना है, फिर ये अमल इंशाल्लाह असर करेगा। और मेरे अमल को अच्छी साहित में लिखें, मैं साहित्य भी बता दूंगा बहुत जल्द, फिर ही असर करेंगे, ऐसे नहीं करते ख्वा कोई भी हो। तो मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया,
इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छी और सच्ची वीडियो अपलोड करूँगा। मैं कोई भी झूठी वीडियो अपलोड करके ना अपना वक्त ज़ाया करूँगा, ना आप लोगों का वक्त ज़ाया करूँगा, ना खुद को गुनहगार बनाऊँगा, ना आप लोगों को इंशाल्लाह गुनहगार बनने दूँगा। इंशाल्लाह